नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल दीपिका की रसोई में। तो आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी शाही टुकड़ा। तो यहां पे मैंने एक बाउल ले लिया है और अब मैं इसमें डाल दे रही हूं चीनी। तो मैं यहां पे 1.5 कटोरी चीनी डाल दे रही हूं क्योंकि इससे हमें चाशनी तैयार करना है। तो यहां पे मैंने चीनी डाल दी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसी में मैं इलायची भी कूट के डाल दूँगी। तो अब हम रख देंगे इसको गैस पे और इसको हमें पकाना है। अभी तो चलाते रहिए क्योंकि शक्कर जले नहीं नीचे से, तो चलाते रहिए। थोड़ी थोड़ी उबाल आ गई है। हमें 1 से 2 तार की चाशनी बना लें या चिपचिपी सी चाशनी बना लें। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 तार की चाशनी बना ले। तो यहाँ पे चाशनी काफ़ी हद तक अच्छे से उबल गई है, गाढ़ी हो गई है। तो चाशनी हमारी बन चुकी है। तो शक्कर भी बिल्कुल साफ़ है इसलिए चाशनी एकदम साफ़ है। तो यहाँ चाशनी को मैं रख दूँगी साइड में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये जब तक ठंडा होता है तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो अब मैं लूँगी वाइट ब्रेड। तो ब्रेड को मैं बीच से कट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बीच से कट कर दिया है ब्रेड को। और आप एक बर्तन को रख दें, कढ़ाई को रख दें ऑयल डाल के गर्म होने के लिए। तो हमें इसको बिल्कुल धीमी आँच में पकाना है। तो हम धीमी आंच में ब्रेड को एकदम अच्छे से लाल और कुरकुरा सेक लेंगे। तेज आंच पे अगर आप कर देंगे तो ये ऊपर से लाल तो हो जाएगा लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा। और जब धीमी आंच पे आप इसको एकदम अच्छे से सुनहरा और कुरकुरा कर देंगे तो ये चाशनी में डुबाने के बाद भी ये वैसे ही क्रंची लगेगा और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक तरफ जब सीख जाए तो आप दूसरी तरफ से भी पलट दीजिए। शाही टुकड़ा बहुत लोगों को पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको बनाने में कुछ मेहनत भी नहीं है ज़्यादा, आप बना लीजिए जब भी आपका दिल करे खाने का। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ। अब एक एक करके मैं चाशनी में डुबा के तुरंत निकाल दूँगी। अलट पलट के दोनों तरफ से आप चाशनी में भिगा दीजिए और इसको बाहर निकाल दीजिए। तो जब आपको खाना हो तब आप इसे चाशनी में डालिए और निकाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने चाशनी में डुबा कर निकाल दिया है और मैं अब इसके ऊपर रबड़ी लगा दे रही हूँ। रबड़ी लगाकर खाने में ये बहुत ही बेहतरीन लगती है। अगर आप रबड़ी नहीं लगाना चाहें तो आप मलाई भी लगा सकते हैं, उससे भी टेस्टी लगती है लेकिन रबड़ी से इसका स्वाद दुगना रहता है। तो शाही टुकड़ा की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।